हेलो फ्रेंड्स, आपका रसोई दिल से मैं स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल बैगन का फ्राई भरता। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होता है। इसमें मैं आपको कुछ सीक्रेट बताऊंगी कि ढाबा वाले क्या करते हैं इतना टेस्टी बैगन का भरता बनाने के लिए। इसे हमें चाहिए रा बैगन, एगप्लांट। अब इसको हम आँच पे, गैस पे रोस्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास कंडे हैं या फिर आप वो पुरानी स्टाइल में भूनना चाहते हैं, आप उस पर भी भून सकते हैं। टमाटर, इसे भी हम आँच में सेक लेंगे। ये देखिए, सिकने के बाद हमने इसके छिलके उतार दिए हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है। इसे मैश कर लेंगे। और हम लेंगे कटी हुई मिर्ची, लहसुन और अदरक पिसा हुआ। हम कढ़ाई लेंगे, इसमें हम लगभग 3 चम्मच करीब तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो मैंने मसाले निकाल के रखे हैं सूखे। इसमें मैं डालूंगी राई, जीरे और हींग। जब राई, जीरे और हींग हो जाए तो मैं इसे चलाऊंगी। ये देखिए हो गए हैं, तो मैं इसमें डालूंगी जो मैंने लहसुन काट के रखा है। लहसुन, ये लहसुन को मैं चलाऊंगी। इसमें डालूंगी हरी मिर्च और इनमें डालूंगी मैं पिसा हुआ अदरक। मैंने अच्छे से चला के भूंज लूंगी। ये देखिए मेरा हो चुका है। तो मैं इसमें एक सीक्रेट चीज डालने वाली हूँ फ्रेंड्स, वो है कुटी हुई मूंगफली। उसे मैं चला लूँगी। उसके मैं हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर डाल के और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसे चलाऊँगी। और एंड में डालूंगी मैं सॉल्ट, या आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और फिर मैं इसमें डालूंगी जो मैंने बैगन और टमाटर को मैश किया हुआ था, और मैं इसे अच्छे तरीके से चलाऊँगी। ये देखिए, ये जो मसाले हैं वो मेरे पूरे बैगन के भरते में मिल चुके हैं। और मैं ऐसे थोड़ा सा बीच बीच में चलाती रहूँगी, जिसमें ये अच्छे से भुन जाए। जो हमारे मसाले हैं उसके साथ ही अच्छी तरह से हमारा हो जाए। ये देखिए, मैं बैगन का भरता काफ़ी अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, आपको यदि कोई और क्वेरी हो, या आप कोई रेसिपी डिटेल्स में वीडियो शूट करवाना चाहते हैं, कि आप बोलना देखना चाहते हैं, ये देखिए मैं थोड़ा सा इसमें एंड में घी डालूंगी, सीक्रेट है। तो आप हमें बताइए कि आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं, हम उसका आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए। ये देखिए हमारा भरता है, वो बैगन का भरता बिल्कुल हमारा रेडी है। मैं इसे कोरिएंडर लीफ, धनिया की पत्तियों से हम इसको गार्निश कर देंगे। और आप साइड में एक छोटा सा लेमन का टुकड़ा भी रख सकते हैं। ये देखिए, जो हमारा बैगन का भरता है वो बिल्कुल रेडी है। आप इसे बाटी, टिक्कर, रोटी, मिस्सी रोटी के साथ खा सकते हैं।